जिला बालोद भरदाकला गांव में बस स्टैंड में शौचालय और प्रतीक्षालय की व्यवस्था नहीं है, जबकि 35 से 40 बस रोजाना उस रूट से चलती है और 8 से 10 गांव के लोग आवागमन करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतीक्षालय और शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है। वर्किंग वूमेन हूँ मैं, जब यहाँ से अपने जॉब के लिए जाती हूँ बस स्टॉप पे, तो बस का वेट करना पड़ता है। इसी दरमियान कई सारी दिक्कतें आती हैं, कई सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक यात्री प्रतीक्षालय नहीं है और महिला प्रसाधन की उचित व्यवस्था नहीं है। मैं और मेरी फ्रेंड्स डेली अप डाउन करते हैं कॉलेज राजनांदगांव, कई गुंडरदई दुर्ग, लेकिन भरदाकला में यात्री प्रतीक्षालय नहीं है। समर के सीज़न में धूप बहुत रहती है, जिससे हम लोग को धूप में खड़ा होना पड़ता है। आसपास में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग छांव मिले। गर्ल्स के लिए वॉशरूम नहीं, जिससे गर्ल्स को कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है। कई गाँव की गर्ल्स यहाँ आती है, यहाँ बस से उतर कर आगे जाती है, उनको वॉशरूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ वॉशरूम नहीं होने से कई प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को। पंचायत से ये अपील करूंगी कि ग्राम भरदाकला के बस स्टॉप में एक महिला प्रसाधन और एक यात्री प्रतीक्षालय की उचित व्यवस्था की जाए। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अपील करती हूं कि भरदाकला सरिता बोरकर का नंबर है 9630322192। इस नंबर पर कॉल करें और दबाव बनाएं। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया, अनहट के लिए।